हाय एवरीवन, दिस इज़ पवन तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी। सो आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी और उसके बाद स्टार्ट हो चुके हैं आपके CHSL के DV 2020 के। तो आप सभी के सामने यहाँ पर वैकेंसी PDF लेकर बैठा हुआ हूँ। आई थिंक ये अपडेटेड है, जहाँ तक RB रिवॉल्यूशन चैनल से ही मैंने अपलोड करी है। तो जो भी अगर कुछ थोड़ा बहुत 10-20 वैकेंसीज ज़्यादा कम भी हो तो बहुत मैटर नहीं करेगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए प्रेफरेंसेस को लेकर, मैंने उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको प्रेफरेंसेस बताए भी जिनके मैं बता पाया। बाकी आज कुछ लोगों का DV हो गया होगा तो उनके लिए सॉरी, बट जिनका DV कल होना है या उसके बाद होना है, अभी DV काफ़ी दिन चलेंगे, आई थिंक 5-6 दिन चलेंगे, तो उनके लिए एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा वीडियो है ये। आप सभी को आई थिंक पसंद आएगा, लाइक शेयर कर सकते हैं और फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि दिल्ली के लिए बहुत लोग ऑप्ट करना चाहते हैं या LDC किसको मिलेगा और PA किनको लेना चाहिए। इसके लिए वीडियो मैं इससे पहले भी बना चुका हूँ, बट वो थोड़ा सा पुराना हो गया था, सोचा कि ठीक है 5 मिनट का वीडियो आपके लिए फिर से बन सकता है। तो मैं आप सभी को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहूँगा जो मुझे पता है कि कुछ लोगों के ऐसे मार्क्स हैं कि मान लीजिए काफ़ी सारे डाउट्स मेरे पास आए, 230, 232, 234 UR कैटेगरी में आपके मार्क्स हैं, आपके OBC कैटेगरी में 222, 224 के अकॉर्डिंग हैं, 10 नंबर लगभग कम है, या आपके SC कैटेगरी में 210, 212 के अराउंड नंबर हैं। तो काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि क्या मुझे LDC मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि LDC आप हमेशा तभी ऑप्ट करने की कोशिश करो जब आपके UR कैटेगरी में 240+ मार्क्स हों, तब आप ये सोच सकते हो कि ठीक है मुझे ये वाली LDC पसंद आ रही है या ये डिपार्टमेंट मुझे अच्छा लग रहा है और मैं उसको फिल सबसे ऊपर कर दूं और मुझे मिल जाएगा। क्योंकि एक जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम LDC में रहती है वो है लोकेशन को लेके, क्योंकि आपको मिनिस्ट्री की जॉब्स पता है कि वो दिल्ली में होंगे, जितने भी आपको मिनिस्ट्रीज दिख रही है। देखो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, जैसे ये आपको दिख रहा है ना 225 से लेके 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये जो मैक्सिमम मिनिस्ट्री पोस्ट है ना ये आपकी दिल्ली में होंगी, ये कंपलसरी है, ठीक है, 99.99% श्योर है। बाकी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जैसे FHQ है, ठीक है, या CAG भी मैक्सिमम दिल्ली में पोस्ट होंगी LDC की, बट आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पर आप 100% श्योर नहीं हो वहाँ पे आप LDC को ऑप्ट करते हो तो फिर वो अपने रिस्क पे आपको ऑप्ट करना है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो मैंने आपसे बोला, बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ इतने एक्सपीरियंस के बाद में कि LDC की जॉब मुझे लगता है बेटर है PSA की जॉब से। मैंने PA की जॉब करी है, मुझे पता है कि वहाँ का जो वर्किंग कल्चर है, ऐसा नहीं मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको घर अगर मिल जाता है उस जॉब में, स्टेट भी अगर आपको अपना मिल जाता है तो बेटर है, बट अगर आप बगल के स्टेट में जाके वो जॉब कर रहे हो पोस्टल असिस्टेंट की, सर्किल ऑफिस नहीं मिला अगर आपको तो, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपको काम सीखने को मिलेगा ना वो आपको कभी आगे काम नहीं आएगा। जैसे जो मैंने एक साल काम किया वो मुझे CSS में कोई काम नहीं आया, ठीक है, बट अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हो, आप LDC में काम करते हो, तो कम से कम आप डिपार्टमेंट में रह के ये सीख पाते हो कि हम मैं जब कुछ बड़ा बन जाऊँगा, या मैं ASO बन जाऊँगा, या मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊँगा, या मैं ऑडिटर बन जाऊँगा, या मैं DA बन जाऊँगा, ठीक है, तो मुझे क्या काम आगे करने हैं, क्या वर्किंग कल्चर है, क्या आसपास का एम्बियंस होगा, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप एज एन LDC कहीं पे भी काम करते हो तो आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है। सैलरी थोड़ी कम है, ठीक है, 9-10 हज़ार रुपये कम मिलता है, बट 5 दिन की वर्किंग है, तो वो एडवांटेज और जो एनवायरनमेंट का एडवांटेज होता है वो थोड़ा सा मुझे लगता है बड़ा है। LDC में हो सकता है आपसे कहीं पे बहुत ज़्यादा काम करवा लें, फिर आप मुझे आपको लगे कि यार काम तो यहाँ पे बहुत है, तो मैं आपको बता दूँ कि पोस्टल असिस्टेंट में भी काम बहुत है, ठीक है, आपको वहाँ पर आराम नहीं मिलने वाला है, वहाँ पर भी आपको 10 to 6 या 9 to 5 आपको वहाँ भी जॉब करनी, HO में अगर आप हो वहाँ पर भी वर्कलोड है, तो वर्कलोड तो गवर्नमेंट में है आजकल, उससे आप नहीं भाग सकते हो। LDC में चांसेस हैं कि आपको कहीं कहीं कर वर्कलोड इतना कम मिल जाए कि आपको 3 से 4 घंटे पढ़ने के लिए मिल जाए, या 2 घंटे भी अगर आपको पढ़ने के लिए मिल जाते हैं तो वो बहुत मोर देन इनफ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपके नंबर 230 या 234 के अराउंड अगर आपके UR कैटेगरी में या आपके OBC कैटेगरी में 220 के आसपास हैं, तो कौन सी LDC आप ऑप्ट कर सकते हो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए। आपको मिले ना मिले वो बात की बात है, उसकी श्योरिटी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा टारगेट वो वाली मिनिस्ट्री करो जो आपको, जिसके आगे मिनिस्ट्री लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ वो आप टारगेट कर सकते हो वैकेंसीज जो आप, जिसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा वैकेंसी दिख रही, उसमें एक चांस रहता है कि इन केस अगर आपको मिल गई
234 में या 224 में ओबीसी में, अगर आपको वो मिल भी गई ठीक है, वैसे चांसेस बहुत निल हैं क्योंकि कट ऑफ हाई रहते हैं एलडीसी के। मेरे टाइम पे मुझे भी दो चार एलडीसी मिली थी, बट मुझे 18 वाला मैंने छोड़ दिया था, 17 वाले में जिसमें मैंने ज्वाइन किया था पीए, उसमें मुझे 3 से 4 एलडीसी की पोस्ट मिली थी, बट बहुत ही कम मार्जिन से मेरा उसमें हुआ था, 1 या 2 नंबर से। तो उसमें चांसेस रहते हैं फिर बाहर जाने के, तो एक अपना बहुत बड़ा रिस्क है। और अगर आप बाहर जाना चाहते हो, आप बिल्कुल फ्री हो कि मुझे नहीं प्रॉब्लम है, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, मैं असम भी चला जाऊंगा, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, तो फिर आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी फिल करो। बट अगर आपको लोकेशन का प्रॉब्लम है, तो जितनी मिनिस्ट्री की जॉब है जो मैंने अभी आपको बताई भी थी, मिनिस्ट्री की 25 से लेके सारी, और इवन ऊपर भी है, 24 भी है, 23 भी है, ठीक है, ये सारी आप फिल कर सकते हो। उसके बाद में कुछ ऐसी मुझे दिख रही है पोस्ट एलडीसी की जिसमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं और डेली मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आपको एक मैं बता दूँ, ये वाला जो आपका है ना, ये 20 नंबर, ठीक है, IHQ MOD नेवी, इसका मैंने देखा छोटा सा वीडियो, तो उसमें 231 वैकेंसीज हैं। ओबीसी वैकेंसी अच्छी है, यूआर वैकेंसी अच्छी है, आप इसको फिल कर सकते हो, 20 नंबर, ठीक है, एलडीसी पोस्ट है और कैंटीन कार्ड भी इसमें है जैसा मैंने देखा कुछ वीडियोस में, ठीक है। इसके बाद एक पोस्ट मुझे दिख रही है यहाँ पे, CGA आप फिल कर सकते हो, कट ऑफ कितना जाता है ये मैटर नहीं करता, ठीक है, पहले आप फिल करो, ठीक है, कोई भी चीज़ फिल की जाती है ये सोचो कि डिपार्टमेंट अच्छा है, ये सोच के नहीं कि मुझे मिल जाएगा, मिलना आपकी किस्मत में है, कट ऑफ क्या जाएगा इसका भी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो आप CGA फिल कर सकते हो 6 नंबर पे, उसके बाद में आप ये कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी ले सकते हो, ठीक है। एलडीसी का वर्क देखो, वर्क प्रोफाइल अब आपको ऑफिसर रैंक का तो नहीं मिलेगा, नॉर्मल होता है, कंप्यूटर वर्क होता है, तो आप कहीं भी बैठ के करो, हर जगह एनवायरनमेंट अच्छा है, ठीक है, उसका टेंशन आपको नहीं लेना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ले लो आप 2nd नंबर का, उसके बाद आपका मन कर रहा है तो आप CBI में जाना चाहते हो तो भर दो, IB में जाना चाहते हो तो भर दो, ठीक है, मैक्सिमम आपको दिल्ली मिलेगा इसका, ये मैं आपको बता दूं CBI में और दिल्ली में। उसके बाद आप IB में भी अच्छा वैकेंसी 80 वैकेंसी है तो आप उसे भी फिल कर सकते हो, कुछ लोग लबासना के लिए बोल रहे थे तो आप उनको भी फिल कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 182 वैकेंसीज हैं, आप फिल कर सकते हो अगर आपको LDC चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको, LDC का वर्क प्रोफाइल आपको आगे काम आएगा, PASA में अगर आप CO और RO में नहीं हो तो कुछ भी आगे काम नहीं आने वाला है। स्टेट आपको अगर अपना मिल रहा है PASA में तो आप ले सकते हो, अपने स्टेट में रहोगे तो अच्छा लगेगा, 40,000-42,000 जो भी आपको मिलेंगे आपको अच्छे लगेंगे, बट अगर आप अदर स्टेट पर चले जाते हो, बगल के स्टेट में भी चले जाओ तो भी ठीक है, अगर UP वाले MP में चले जाएं तो भी ठीक है, बट अगर आप UP वाले तमिलनाडु चले जाएंगे उससे फार बेटर है कि अगर आपको एक LDC की पोस्ट भी कहीं पर मिल रही है आसपास या थोड़ा 500 किलोमीटर में भी, तो उसको लेना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो 40,000 के चक्कर में ज़्यादा दूर मत चले जाना, ठीक है, तो ये इशू आ सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर बाकी कुछ जैसे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 25 नंबर में 268 वैकेंसीज हैं, ये फिल करो, बट जितनी छोटी वैकेंसीज हैं, जैसे मिनिस्ट्री तो सारी ले सकते हो, मिनिस्ट्री दिल्ली में रहेगा, अगर दिल्ली के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मिनिस्ट्री सारी फिल कर सकते हो लाइन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई भी मिल जाएगी आपको दिल्ली मिलेगा, ठीक है, बट 99.99% चांसेस है, 0.01 की गारंटी मैं नहीं ले रहा। और जैसे NIA है या NIC है, ठीक है, इसके भी चांसेस दिल्ली के ही हैं क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसीज दिल्ली में, बट जैसे एक वैकेंसी कोस्ट गार्ड में है या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये आपको दिल्ली मिलेगा, ठीक है। तो जिसमें 2-4-5 वैकेंसी है ना आपकी कैटेगरी में, उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करो, ठीक है, नेगलेक्ट करो उनको, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो फिल कर देना, अदरवाइज उसको नेगलेक्ट करो। बाकी जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज हैं, जो मैंने आपको बताया मिनिस्ट्रीज सारी दिल्ली में है, ठीक है, उसके अलावा आपको CGA या CGDA ये भी आप फिल कर सकते हो, अच्छा है। IB CBI में आपको जाना है तो फिल कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। अब लेकिन जैसे मान लीजिए यही है कि 15 नंबर फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वैसे आपको दिल्ली मिलने के चांसेस है, बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप बहुत डेस्परेट नहीं हो दिल्ली के लिए तो ऐसी मिनिस्ट्रीज ऐसी पोस्ट को थोड़ा सा नेगलेक्ट करो, हो सकता है कहीं आपको बाहर भेज दें, क्योंकि इसमें रैंडम अलॉट आपको करते हैं, कई बार मैंने सुना है जो LDC पोस्ट पर हैं लोग बताते हैं रैंडम अलॉट करते हैं, तो कई बार आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, ठीक है, तो रिस्क क्यों लेना, रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है, जब तक आपको प्रॉपर पता ना हो। तो मिनिस्ट्री सारी फिल कर दो, CGA CGDA फिल कर दो, AFHQ फिल कर दो, ठीक है, कैंटीन स्टोर फिल कर दो, उसके अलावा आपका IB या CBI में जाने का मन है आप उसको फिल कर सकते हो। पोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में जो आपकी वैकेंसीज हैं 100-200 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं उसे आप फिल कर सकते हो, और देन आप PASA को फिल कर सकते हो
अगर आपके नंबर थोड़े अच्छे हैं और आपको चाहिए कि मुझे अपना स्टेट चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको 240 प्लस है यूआर में और आपको चाहिए कि मुझे यूपी मिल जाएगा, तो फिर आप यूपी ले सकते हो, ठीक है, 40,000 बेकार नहीं है फिर। बट आपके नंबर कम थोड़े से 234-235 हैं, तो आप एलडीसी लेना चाहते हो दिल्ली में रहना, पढ़ाई करना चाहते हो उधर रह के, या जो भी आपका कोई रहता है वहाँ पे, देन आप थोड़ा 234-235 में एलडीसी के लिए कोई भी जो मैंने आपको बताई हैं आप उनको ऑप्ट कर सकते हो। सीखने को एलडीसी में आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगा, पीएसए में उतना नहीं मिलेगा, वर्कलोड भी पीएसए में ज़्यादा ही होगा एलडीसी के कंपेयर में, और पर्क्स भी हो सकता है एलडीसी में, कुछ जगह कैंटीन स्टोर वगैरह हैं तो वहाँ पे आपको पर्क्स मिल जाएंगे, बट पीएसए में आपको कोई पर्क्स नहीं मिलेगा, वही जो सैलरी आपकी 40-42,000 है वो मिलेगी। सो कोई और डाउट अगर आपका है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर पूछ सकते हो, पवन तिवारी 5205। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी भी अच्छे वीडियोज़ ऑलरेडी पड़े हुए चैनल पर, आप उनको देख सकते हो। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, कुछ सीखने को मिलाओ तो जरूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, और बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो। ओके बाय, टेक केयर, और अच्छे से आप लोग टीवी दीजिए। सो गुड लक।